वेलकम फ्रेंड्स, सीएमए फाइनल स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड द टॉपिक इज लीनियर प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन 5, अ फर्म मैन्युफैक्चरर्स एंड सेल्स टू प्रोडक्ट्स अल्फा इन बीटा। ईच यूनिट ऑफ अल्फा रिक्वायर्स 1 आवर ऑफ मशीनिंग एंड 2 आवर्स ऑफ स्किल लेबर। 1 आवर मशीनिंग का और 2 आवर स्किल लेबर का। सिमिलरली बीटा का भी 2 आवर मशीनिंग और 1 आवर स्किल लेबर का लगता है, और ये पर यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए इतना मशीनिंग आवर और स्किल आवर लगता है, और दोनों का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी गिवन है। नॉट मोर देन 320 यूनिट्स ऑफ अल्फा कैन बी सोल्ड इन द मार्केट ड्यूरिंग अ मंथ। सो यहाँ पे 720 आवर्स ही कैपेसिटी भी दे दिया है हम लोग को, कैपेसिटी इज लिमिटेड, सो दिस इज लिमिटेड अमाउंट। तो ये हमारा कंस्ट्रेंट हो जाएगा, क्योंकि कंस्ट्रेंट क्या होता है, जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स या कैपेसिटी है वो हमारा कंस्ट्रेंट होता है। और हमारे पास यहाँ पे कंट्रीब्यूशन गिवन है, तो ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट है, मतलब कितना प्रॉफिट आएगा। सो कंपनी कभी भी अपना प्रॉफिट को मिनिमाइज नहीं करेगी, वो मैक्सिमाइज करेगी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो मैक्सिमाइज होगा। हम लोग को लीनियर प्रोग्रामिंग में 2 चीज ही फॉर्मुलेट करना होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन और दूसरा कंस्ट्रेंट। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो जेड से डिनोट करेंगे, और या तो ये मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा। तो इन दिस केस हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा। डेवलप अ सुटेबल मॉडल विद दैट विल इनेबल डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ यूनिट्स अल्फा का मान लेते हैं x1 और दैट ऑफ बीटा इज x2। तो टोटल हम लोग इतना यूनिट्स हम लोग मैन्युफैक्चर करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, सी मैक्स जेड तो हम लोग निकाल लिए कि जेड मैक्सिमम करना है, हम लोग को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो अब ये इक्वेशन कहाँ से बनेगा, हमारा कंट्रीब्यूशन अल्फा का है 6 पर यूनिट। अगर एक यूनिट के लिए 6 है तो टोटल x1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 6 × x1। सिमिलरली बीटा का भी कितना होगा, 4 × x2, तो 6x1 + 4x2। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। देन कंस्ट्रेंट निकालना है, तो कंस्ट्रेंट कैसे निकालेंगे, सी हमारे पास मशीनिंग आवर टोटल अवेलेबल है 720, उसमें से अल्फा का 1 आवर लग रहा है और बीटा का 2 आवर लग रहा है। तो टोटल x1 यूनिट के लिए कितना लगेगा, x1 × 1, दैट इज x1, देन x2 × 2, 2x2। तो x1 + 2x2, अब ये दोनों मिलाकर हम लोग इससे ज्यादा आवर्स यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसीलिए x1 + 2x2 इज लेस देन और इक्वल टू 720। हम लोग मैक्सिमम 720 आवर्स ही यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हमारा पहला कंस्ट्रेंट हो गया। दूसरा कंस्ट्रेंट स्किल लेबर पे आएगा, क्योंकि स्किल लेबर का भी हमारा कैपेसिटी 780 दिया हुआ है। तो ये कैसे हो जाएगा, 2x1 + x2 इज लेस देन और इक्वल टू 780 सी। और तीसरा x1 cannot बी ग्रेटर देन 320, क्योंकि यहाँ बोल दिया है कि पर मंथ में 320 यूनिट से ज्यादा अल्फा का सोल्ड नहीं हो सकता, इसीलिए x1 इज लेस देन और इक्वल टू 320। और ये हमारा फिजिबल सॉल्यूशन होता है। फिजिबल सॉल्यूशन मतलब यहाँ हम बोलते हैं कि x1 और x2 जो यूनिट है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट इज इट कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फ्रेंड्स, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आप वीडियो देख ही रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। रजिस्ट्रेशन 6, अ कंपनी पोजेसेस 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स, ईच ऑफ विच कैन प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स एक्स वाई एंड जेड फ्रॉम अ कॉमन रॉ मटेरियल। सो एक्स वाई और जेड प्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रॉम अ कॉमन रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कितना है, 2, प्लांट ए और प्लांट बी, और ये 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर गिवन है 9 × 2। प्लांट ए का 9 और प्लांट बी का 10 लग रहा है पर आवर। ओके, ऑर्डर्स ऑन हैंड 50, 24 and 60 फॉर एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली। सो हमारा ये प्रोडक्ट गिवन है और ऑपरेटिंग कॉस्ट पर आवर इतना लगेगा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, मतलब 2 यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस होगा पर आवर प्लांट ए में, और वही 4 यूनिट ऑफ एक्स प्रोड्यूस होगा पर आवर प्लांट बी में, और ऑर्डर्स इन हैंड है 50। इतना बनाए या इससे ज़्यादा बनाएंगे, सो हमारा ऑर्डर 50 हाथ में है, तो हम लोग 50 से कम नहीं बना सकते, इससे ज़्यादा ही बनाना होगा, या इतना या फिर इससे ज़्यादा हम लोग बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा कॉस्ट गिवन है, सो हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मिनिमम में आएगा। You are required to use the simplex method to find out the number of production hours needed to fulfill the orders on hand at minimum cost. Minimum cost में निकालना होगा, so हमारा objective function क्या होगा, minimum, to minimize the cost. See, objective function जो है वो minimum में आ जाएगा।
इंटरप्रेट द मेन फीचर्स ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन. तो सबसे पहले हम लोग, हमारा जो कैपेसिटी यहाँ पे था, जो कंस्टेंट है वो आवर्स में है. सो लेट टोटल नंबर ऑफ आवर्स इन प्लांट प्लांट ए में जितना यूज हो रहा है उसको अल्फा मान लेंगे, और दैट ऑफ बी इज बीटा. तो हम लोग मान लिए. देन ऑब्जेक्टिव फंक्शन कितना हो जाएगा हमारा प्लांट ए में, पर यूनिट कॉस्ट पर कॉस्ट पर पर आवर पड़ रहा था कितना, 9, और बी का 10. सो पर आवर कॉस्ट हमारा 9 है, तो टोटल अल्फा आवर्स के लिए कितना होगा, 9 इंटू अल्फा, और 10 पर आवर हो रहा है तो टोटल बीटा आवर्स के लिए कितना होगा, बीटा इंटू 10. तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया. देन सब्जेक्ट कंस्टेंट निकालना होगा. सी पहला इक्वेशन के लिए क्या दिया है, 2 अल्फा इंटू 4 बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 50. सी प्लांट ए में एक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, सो एक यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है पर आवर में, 2 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है, तो अल्फा आवर में कितना होगा, 2 इंटू अल्फा. सो वही है 2 इंटू अल्फा, और यहाँ प्लांट बी में बी के लिए टोटल आवर्स बीटा है तो 4 इंटू बीटा हो जाएगा. तो 2 अल्फा प्लस 4 बीटा शुड बी इतना आवर्स लगा के हमारा 50 यूनिट्स या इससे ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. उसका ही कंस्टेंट बन गया पहला कंस्टेंट, 2 अल्फा प्लस 4 बीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50. दूसरा कंस्टेंट भी ऐसे ही बन जाएगा फॉर वाई, 4 अल्फा प्लस 3 बीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 24, और जेड का भी सिमिलरली वैसे ही बन जाएगा. और यहाँ अल्फा और बीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, लेकिन 0 से कम नहीं हो सकता, ये फिजिकल सॉल्यूशन है, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकता. क्वेश्चन 7, अ कंपनी प्रोड्यूसेस द प्रोडक्ट पी क्यू आर फ्रॉम 3 रॉ मटेरियल ए बी एंड सी. 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी रिक्वायर्स 2 यूनिट ऑफ ए. सो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका सबसे पहले टेबल फॉर्मेट कर लेंगे. पी क्यू आर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल ए बी सी रिक्वायर्ड है. पी प्रोड्यूस करने के लिए ए का 2 यूनिट रिक्वायर है, बी का 3 यूनिट, क्यू के लिए बी का 2 और सी का 5. तो ऐसे हम लोग सबका निकाल लेंगे, और अवेलेबल यूनिट्स गिवन है. सी कंपनी हैज 8 यूनिट्स ऑफ मटेरियल ए, 8, 10 एंड 15 फॉर ए बी सी रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो ये हमारा अवेलेबल यूनिट्स है, मतलब ये हमारा कैपेसिटी या कंस्ट्रेंट हो गया. हमारे पास यूनिट इतना, हम लोग ईच का इतना अवेलेबल यूनिट्स है, हम लोग को इतना में ही बनाना पड़ेगा, हम लोग इतना ही मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं. प्रॉफिट्स पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी क्यू आर आर 3, 5 एंड 4. सो प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दिया है मतलब हम लोग प्रॉफिट को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज की मैक्सिमाइज, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है. इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो मैक्सिमम के लिए निकलेगा. तो फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम मैथमेटिकली. सो सबसे पहले प्रॉफिट दिया हुआ है, और हम लोग टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस कर लेंगे, x1, x2 और x3 हम लोग लेट कर लेंगे. लीनियर प्रोग्रामिंग में लेट करना जरूरी है, तो हम लोग वेरिएबल्स में लेट कर लेंगे x1, x2, x3. ये क्या लेट किए, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ p. तो p का टोटल यूनिट हमारा x1 है, q का x2 एंड 3 x3 फॉर r. ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, कैसे बनेगा, हमको z मैक्सिमम करना है प्रॉफिट को. तो अगर p का प्रॉफिट 3 है पर यूनिट, तो टोटल यूनिट हमारा x1 है, तो 3 इंटू x1 3x1, 5 q के लिए, तो q का हमारा कितना आ रहा है, कितना माने है x2, तो 5x2, और r का कितना हो जाएगा, 4x3. तो हमारा यूनिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया. अब क्या करना है, कंस्ट्रेंट करना है. कंस्ट्रेंट कैसे निकालेंगे, हमारे पास अवेलेबल यूनिट्स दिया हुआ है, तो हमारा इसका कंस्टेंट बनेगा पहले. कैसे, पहला कंस्टेंट क्या होगा हमारा, सी रॉ मटेरियल ए का हमारा टोटल यूनिट्स 8 है, तो हम लोग इससे ज्यादा यूज नहीं कर सकते, मैक्सिमम यहां तक यूज कर सकते हैं. सो 2 इंटू x1 टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, 2 इंटू x1 प्लस 3x3, क्योंकि हमारा ये x3 था r का, सी r x3 टोटल है, तो 3 इंटू टोटल यूनिट प्रोड्यूस, तो 3 इंटू x3 हमारा हो जाएगा 3x3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 8 से ज्यादा, नॉट मोर देन 8. ठीक है, हमारा 8 से ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ये पहला कंस्टेंट. दूसरा हमारा 10 के लिए बनेगा, रॉ मटेरियल बी के लिए, तो रॉ मटेरियल बी का 3 यूनिट हम पी का करेंगे, तो पी को 3 यूनिट रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस 1 यूनिट, तो 3 इंटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस इन पी, 3x1 प्लस 2x2 कहाँ से आया, ये q का 2, और q का हमारा x2 हो जा रहा था, तो 2x2 प्लस 2x3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 10. c का हो जाएगा
फाइव एक्स टू प्लस फोर एक्स थ्री शुड बी लेस देन इक्वल टू 15। तो हमारा कंस्टेंट तीनों निकल आया, फिजिबल बोल देंगे क्योंकि ये जीरो से नीचे नहीं जा सकता, इसलिए फिजिबल सॉल्यूशन बना दिए। एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब हमको बोल रहा है कि राइट द डुअल प्रॉब्लम, इसका डुअल प्रॉब्लम निकालना पड़ेगा। ये हम लोग कैसे निकालेंगे? सी, ये हमारा प्राइमरी प्रॉब्लम बन गया क्योंकि ये प्राइमरी है, तो डुअल में क्या करेंगे, इसका जस्ट ऑपोजिट कर देंगे। प्राइमरी में ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो हमारा मैक्सिमम जेड था, तो डुअल में जस्ट ऑपोजिट कर देंगे, तो डुअल में मिनिमम जेड हो जाएगा हम लोग का। तो जब मिनिमम जेड होगा तो हमारा उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे तैयार होगा? हमारा जो कंस्ट्रेंट आया है ना, उसका जो हमारा कंस्टेंट का जो कोफिशियंट है, सॉरी, ये राइट हैंड साइड का जो पार्ट है वो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन के इस साइड आ जाएगा। तो हमारा डुअल में क्या बन जाएगा? सी गाइस, 8y1 प्लस, अच्छा y1, तो हम लोग जैसे यहाँ पे x1, x2, x3 लिए थे, डुअल में हम लोग y1, y2, y3 ले लेंगे। हमारा वेरिएबल यहाँ जो है y1, y2 और y3 हो जाएगा। तो 8y1 प्लस 10y2 प्लस 15y3, 8 पहला का था कंस्ट्रेंट, 10 दूसरे कंस्ट्रेंट का था और 15 तीसरे कंस्ट्रेंट का था। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार हो गया। अब कंस्ट्रेंट कैसे बनाएंगे? हम लोग पहले यहाँ पे प्राइमरी में x लिए थे, तो अब ये y1, y2, y3 ले लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा y2 और ये हो जाएगा y3, ठीक है। तो 2y1 पहला कंस्टेंट बनेगा, y2 कुछ भी नहीं है, तो y3 3 है, तो 3y3 ये हमारा पहला कंस्टेंट हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पे अगर ग्रेटर देन साइन, यहाँ पे हमारा साइन ग्रेटर ये था लेस देन, तो यहाँ हमारा साइन हो जाएगा ग्रेटर देन हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए है, तो सिमिलरली यहाँ का जो प्राइमरी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन था वो यहाँ का यहाँ पर आके राइट हैंड साइड आ जाएगा। तो पहला क्या है? 3, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू 3। तो हमारा पहला कंस्टेंट आ गया, तो वैसे ही दूसरा कंस्टेंट भी बनाएंगे। और एक चीज, ठीक है पहला कंस्टेंट कर लेते हैं। तो हमारा पहला कंस्टेंट आ गया, दूसरा कंस्टेंट 2y2 प्लस 5y3 है। सी, हमारा पहला पी आ गया। अब क्यों करेंगे हम लोग? आर जब कर रहे थे तो हम लोग ऐसे प्राइमरी में ऐसे जा रहे थे, अब हम लोग ड्यूअल में ऐसे जाएंगे। तो पहला का पी का आ गया, अब क्यू का क्या होगा? 2y2 और 5y3। सिमिलरली हमारा आर का क्या होगा? 3y1 प्लस 2y2 प्लस 4y3। तो हमारा तीनों इक्वेशन ऐसे बन गया। एक और चीज, इक्वेशन बनने के बाद जो हमारा ये आया, ये जैसे पहला का 3 था, सी ऑब्जेक्टिव फंक्शन 3 पहला का था, दूसरे का हमारा कंस्टेंट क्या है? 5 है। तो ये हमारा हमारा यहाँ पे दूसरे इक्वेशन का 5 आ जाएगा, और जो थर्ड का 4 है वो ये वाला 4 आ जाएगा। बहुत कुछ हो गया गाइस, तो यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डुअल में करना क्या है हम लोग को? रिवर्स ऑफ प्राइमरी, दैट इज अगर प्राइमरी में प्रॉफिट दिखाया था तो हम लोग लॉस करेंगे, प्राइमरी में मैक्सिमाइज किए तो डुअल में मिनिमाइज करेंगे। तो मिनिमाइज हम लोग किए जेड को, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, और ये 8 कहाँ से, 8, 10 और 15 कहाँ से आया? ये हमारा जो प्राइमरी का कंस्ट्रेंट था उसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट आया। ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ना, 8, 10, 15, ये हमारा कंस्ट्रेंट का राइट हैंड साइड है, ये हमारा वहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। और फिर हम लोग कंस्ट्रेंट निकाल लिए, वहाँ पे हमारा वेरिएबल कितना था? 3 था, x1, x2, x3, तो यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है वो भी 3 आएगा, 1, 2, 3, तीन कंस्ट्रेंट हमारा आया है। वो कैसे आया? हमारे पास टेबल में था पी का 2 और 3, क्यू का 2 एंड 5 और 3, 2, 4 आर का। तो हम लोग ये y1, y2 और y3, ठीक है, ऐसे करके हम लोग निकाल लिए फॉर्मेट में। और इस साइड जो है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसका है? प्राइमरी का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। वहां पर जो जेड मैक्स करके हम लोग लिखे थे वही वाला 3x1, वो वाला हमारा यहाँ पर कॉन्स्टेंट के राइट हैंड साइड में आ गया, और हम लोग फिर फिजिबल बता दिए। क्वेश्चन 8, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 3 प्रोडक्ट विच आर प्रोसेस थ्रू 3 डिफरेंट प्रोडक्शन स्टेजेस। 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, 3 स्टेज से पार हो रहा है और प्रॉफिट दिया है, मतलब ये मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन है। तो हमारा जो जेड आएगा वो मैक्सिमाइज करना है हमको, ठीक है। प्रोडक्ट 1 में हमारा टाइम पर यूनिट इन मिनट दिया है, 1 मिनट, और पर यूनिट का 1 मिनट लगता है स्टेज 1 में, 2 में 3 और 3 में 1 मिनट लगता है पर यूनिट।
और टोटल प्रॉफिट पर यूनिट हमारा 3 है। सिमिलरली तीनों प्रोडक्ट का दिया है और स्टेज का कैपेसिटी गिवन है। कैपेसिटी हमारा यहाँ पे कंस्टेंट हो गया, ठीक है। पहला का 430, दूसरा का 460 और तीसरे में 420, ठीक है। सेट द डेटा इन सिंपलेस्ट टेबल। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर लेट करना पड़ेगा नंबर ऑफ यूनिट, ठीक है। सो नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट 1 का X1, 2 का X2, 3 का X3 हम लोग लेट कर लिए। अब हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज जेड इक्वल्स टू सी। प्रोडक्ट 1 का प्रॉफिट है 3 पर यूनिट, तो X1 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 3X1 प्लस प्रोडक्ट 2 के लिए हमारा प्रॉफिट 2 पर यूनिट है, तो X2 के लिए 2X2 हो जाएगा और 3 का प्रॉफिट 5 है, तो 5X3। ये हमारा मैक्सिमाइज जेड ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। अब निकालना है कंस्ट्रेंट्स। तो हमारा कंस्ट्रेंट्स क्या है, 430, 460 और 420 तीनों स्टेजेस का, ठीक है। तो पहला स्टेज का कंस्ट्रेंट क्या आएगा, प्रोडक्ट 1 का X1, 1 इंटू X1 X1 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू X2 2X2, प्लस 1 इंटू X3 X3। तीनों को मिला के मैक्सिमम हमारे पास 430 मिनट्स है, मतलब इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, सो लेस देन और इक्वल्स टू 430 मिनट्स। दूसरा कंस्टेंट हो जाएगा 3X1 प्लस X2 कुछ भी नहीं है, और 3 का कितना है, 2X3 शुड बी लेस देन और इक्वल टू 460 एंड प्रोडक्ट स्टेज 3 का X1 प्लस 4X2 प्लस कुछ भी नहीं है, तो शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 420, ठीक है। हमारा तीन कंस्टेंट आ गया और फिजिबल है, हम लोग का यूनिट नेगेटिव में नहीं जा सकता, सो X1 कॉमा X2 कॉमा X3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।